हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेध विद्यालय। माय सेल्फ सुरेखा पटेल एंड विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 9 अर्थ अवर हैबिटेट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम। वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम एंड हाउ दे हैव टू बी स्टे एट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर थिंग। नाउ टूडे वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द मेन थिंग्स। जो हमारा चैप्टर ये है अर्थ के बारे में, तो आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग। हम लोगों को पता है कि सन और मून जो है वो शेक करते हैं। हाउ गुड इट लुक्स। अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फीयर ओनली। इट इज स्फेरिकल। स्फीयर एक गोला जैसा है। इट इज अ फ्लैट एट बोथ द पोल्स। दोनों पोल्स ऊपर के नॉर्थ एंड साउथ पोल्स कैसे है फ्लैट। सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गोन अप टू द मून। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे जो देश के एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे जा भी चुके हैं। दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ फ्रॉम देयर। फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक अ जायंट स्फीयर। एक बड़ा गोला जैसा दिखता है। वी आर लिविंग इन अ small village or city. The part of earth which we are able to see is a very small part of earth. जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो एरिया हम लोग अगर देखेंगे तो पूरे ग्लोब का यानी कि पूरे अर्थ का बहुत ही स्मॉलर पार्ट है। Thus it cannot be said by us that earth is a spherical. इस पे से हम लोग नहीं कह सकते कि ये स्फेरिकल है। Have you ever seen broken earthen pot? एक ब्रोकन अर्थन पॉट जो है आप लोगों ने देखा है। इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड। आप लोग अगर ब्रोकन अर्थन जो पॉट है यानी कि मिट्टी का जो मटका होता है वो आपने देखा ही है। अगर मानो कि वो ब्रेक यानी टूटा हुआ है उसका अगर पार्ट लोग को तो आप लोग उस पर से इमेजिन नहीं कर सकते वो कि कितना बड़ा है, बराबर, या राउंड है या वॉट एवर। दस लुकिंग एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट टेल अस दैट द होल अर्थ इज अ स्फेरिकल। यानी कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उतना ही पार्ट हम लोग अगर देखेंगे तो उस पे से हम लोग नहीं बता सकते कि दैट शुड बी अ स्फेरिकल यानी कि गोला है। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप। लेकिन हम लोगों के हमारे जो एस्ट्रोनॉट वहाँ से गए हैं उन्होंने जो इमेज भेजी है उस पे से कोई भी डाउट नहीं है कि हमारा जो अर्थ है द शेप इज अ राउंड शेप एंड उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज अ लाइक एन ऑरेंज। वो एकदम गोल नहीं है बॉल के जैसा लेकिन कैसा है ऑरेंज के जैसा। The earth's poles are slightly flat. ऊपर का जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो वो कैसा है फ्लैट एरिया है एंड इट इज स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट इक्वेटर और इक्वेटर से इन्फ्लेटेड है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल। उसका जो सेंटर एरिया जो है वो पोलर एरिया से लार्जर है। पोलर सर्कल यानी कि साइड का जो एरिया है उससे जो कैसा है That is a larger. We can know the volume and weight of the earth. In order to study about earth, it is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. Continents, ocean and important lines are drawn on it. Earth ka jo picture hai, uske upar ye sari cheez jo hai, wo include ki gayi hai. The globe is a small replica of the earth. ग्लोब जो है वो स्मॉल रेप्लिका यानी कि इट इज अ वन टाइम ऑफ स्मॉल मॉडल एक मॉडल है। ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज अ टाइल्ड टुवर्ड वन साइड। आप लोग ग्लोब जो है उसको देखोगे एंड उस पे से आप लोगों को पता चलेगा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो है उसकी अगर आप लोग स्टडी करोगे तो उसको कैसे आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है एक साइड से टाइट है। टाइट यानी कि दैट इज अ वन टाइप हैव टू बी फ्लैट एरिया।
Now you have to be studied about the pole star. Students, if you have to be go any direction of the earth, first you have to be imagine, you have to be find out the pole star. अगर आपको pole star मिल जाता है तो उसपे से आप लोग कोई भी direction में जा सकते हो. There is a star in the sky which always appears in the same direction at the same place पे same direction. Then how to recognize the star? The polar star can easily be detected with the help of constellation Saptashri. जो Saptashri constellation है नक्षत्र, उसके अंदर अगर उसके अंदर जो है पोलर स्टार हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं. यू विल सी अ ब्राइट स्टार वाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फिबुलियस लाइन कनेक्टिंग द टू स्टार इन द फ्रंट ऑफ सप्तश्री. दैट्स द पोलर स्टार. पोलर स्टार क्या है कि आप लोग कोई भी डायरेक्शन में जाते हो तो ब्राइट स्टार जो है वो फेबुलियस लाइन आप लोगों को, यू हैव टू बी इमेजिन इन द नाइट, नाइट में आप लोगों को स्काई को देखना है और स्टडी करना है पोल स्टार के बारे में. तो फ्रंट ऑफ सप्तश्री, सप्तश्री के सामने, दैट्स द पोलर स्टार. पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन अ डेजर्ट कैन इजीली फाइंड अ पोलर स्टार. द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ. हमेशा याद रखो कि पोल स्टार जो है दैट शुड बी अ अपीयर्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज अ विजिबल ओनली इन अ नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ये हमेशा विजिबल है. ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर. वो स्टेबिलिटी यानी कि एक ही जगह पे है और सर्कुलर शेप, अर्थ का जो सर्कुलर शेप है उसके नज़दीक होने की वजह से वो हमेशा नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ही है और वो साउथर्न हेमिस्फीयर पे भी कभी भी दिखेगा नहीं. तो इस तरह जो है वी हैव टू बी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ टू बी सी द पोल स्टार डायरेक्शन. आफ्टर दैट वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये अर्थ है, अर्थ का जो ग्लोब है उसके ऊपर कुछ लाइन खींची हुई होती है. देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सर्फेस. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली यानी कि स्लिपिंग लाइन में और हॉरिजॉन्टली यानी स्टैंडिंग लाइन में. विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइंस एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन. और ये लाइन से हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन जो है, टाइम जो है वो पता चलता है. दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सर्फेस. दीज लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप. एक्चुअली ये अर्थ के सर्फेस पे नहीं है लेकिन मैप के ऊपर हम लोगों को ये लाइन जो है वो दिखने को मिलती है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले लैटिट्यूड. द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रोन ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड. जो स्लिपिंग लाइंस है दैट इज ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड. इफ एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देन द लाइंस बिकम अ लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट as far as the angle of the center is along the equator. That means कि कोई भी line जो है that should be connected, उसका जो point से that should be on the surface of the earth. और straight line जो है वो to the center of the earth, earth का जो center है उसमें से pass होके that should be point should be becomes latitude as far as angle of the center is along द इक्वेटर. कोई भी लाइन जो है अर्थ के सरफेस से निकल के उसके सेंटर में से क्रॉस होगी स्ट्रेट लाइन, दैट शुड बी बिकम अ लैटिट्यूड. वो लैटिट्यूड होगी एंड दैट शुड बी अलोंग टू नियर द इक्वेटर. द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आर 181. हमारे अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर टोटल 181 जो लैटिट्यूड्स लाइन है. यहाँ पे हम लोगों को नॉलेज की बात दी है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स. अगर दो लैटिट्यूड की बात करेंगे हम लोग बराबर, तो ये जो दो लैटिट्यूड है ये दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर्स
का डिस्टेंस है।